अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़ज़ी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़ज़ी दुबई दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। मैं आज की वीडियो में स्टेप वाइज बताऊँगा कि एक स्कैमर या एक फ्रॉड जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको टकरता है, फेसबुक में या व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू, वो चीटिंग या स्कैमिंग कैसे करता है। मैंने पूरी स्टोरी को चार स्टेप्स में, चार पर्चियों में, फाइव स्टेप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। तो फाइव स्टेप्स प्रोसेस है किसी को स्कैम करने के लिए, ध्यान से सुनना, और अगर आप स्कैम करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। मजाक करो बताने का पर्पज़ ये है क्योंकि आज उस भाई को जिसके हमने लास्ट वाली वीडियो शूट की थी, आज उसको अप्रूवल भी दे दी गई है और वीज़ा भी दे दिया गया कि आपका वीज़ा आ गया है। तो उस भाई को मैंने बताया हुआ था कि जब आपको वीज़ा मिले या जब आपको वीज़ा के लिए कॉन्टैक्ट किया जाए तो आपने ज़रूर मुझे कांटेक्ट करना है और मुझे बताना है कि वो आप फर्दर आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने वीज़ा भेज दिया, उसका मैं आप लोगों को एंड पे बताता हूँ कि उसका फॉर्मेट क्या है और वो भी फेक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपके साथ होता क्या है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और नोटिफिकेशन पर दबा दें और लाइक भी कर लें वीडियो को। सबसे पहले काम होता है एक स्कैमर का, सोशल मीडिया में ऐड देता है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, और ऐड में प्रोमिनेंट क्या चीज़ होती है कि फ्री वीज़ा, फ्री टिकट और फौरी रवानगी। ये तीन चीज़ें होती हैं, पाकिस्तानी बेस पे बात कर रहा हूँ। फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फौरन रवानगी। फौरन रवानगी मतलब फौरन, वेरी सून, एड हॉक, स्पॉन्टेनियस, दस्ती आप जाओगे। तो क्यों, उन्होंने रिसर्च की होती है और उन्होंने देखा होता है कि पाकिस्तानी मार्केट को या पाकिस्तानी पब्लिक को किस टाइप का फुदू लग सकता है, किस टाइप का स्कैम किया जा सकता है। तो मेरे और आप जैसे सादे लोग, मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, आप जैसे समझदार लोग जब ये देखते हैं कि फ्री वीज़ा और फ्री टिकट है तो भाईजान ये काम ठीक है, इधर अप्लाई कर लो, ठीक है। तो इस पर्चे का काम तमाम हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट उस पर आते हैं, प्रोसेस पर आते हैं जिन्होंने स्कैम करना होता है। कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं और आपको एक ऑफ़र लेटर दे देते हैं, उन दोनों के आप लोगों को यहाँ पे सैंपल्स नज़र आ रहे होंगे और उस कंपनी का है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं और आपको ऑफ़र लेटर दे देते हैं और आपको कहते हैं ये साइन करके और ये रीड करके हमें दे देना, ठीक है। जब वो आप उनको दे देते हो तो ये आपको फिर मेडिकल के लिए बोलते हैं, मेडिकल करने के लिए, जो कि इनके पार्टनर्स होते हैं। उस मेडिकल का सैंपल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, उनके साथ इनके टाई अप्स होते हैं, ठीक है। और वो फेक मतलब आपसे ब्लड सैंपल ले लेते हैं और यूरिन सैंपल ले लेते हैं, इस भाई से भी इसी तरह किया गया, और फिर आपको रिपोर्ट दे दें। तो आपको या मुझे क्या पता क्या रहे ये रिपोर्ट्स किस तरह की, मतलब मेडिकल की चीज़ें हमें अंडरस्टैंड नहीं होती, हम नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, कौन सी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपसे पैसे, पहला पैसा लिया जाता है पहले स्टेप में, 10,000, 15,000, 8,000, जहाँ पे बात इनकी सेट हो गई, ठीक है। मेडिकल का लिया जाता है, मेडिकल के बाद फिर आपको कहते हैं कि आप अब वीज़े का वेट करें, आपको वीज़े का मैसेज आएगा या वीज़े की ईमेल आएगी, ठीक है। तो वो उनका दूसरा नंबर होता है, फिर आपको वीज़ा अप्रूवल और फेक वीज़ा दे देते हैं। यहाँ पे आपको वीज़ा के सैंपल भी नज़र आ रहा होगा जो कि इस तरीके का नहीं होता, इसके साथ आपको एक और नज़र आ रहा होगा इस टाइप का होता है, जो आप LMRA पे चेक कर सकते हैं। बहरीन की वीज़ा की बात करूँ, और ये स्टोरी आज की बहरीन से रिलेटेड है कि बहरीन के वीज़े पे कैसे फ्रॉड हुआ है। तो आपको ये फेक वीज़ा देते हैं, फेक अप्रूवल देते हैं वीज़ा की, और आपको बोलते हैं कि यार ये वीज़ा है आप इसको, और आपको एक मैसेज आ जाता है, उस मैसेज का भी आपको यहाँ पे सैंपल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब बेवकूफ़ बनाना होता है लोगों को, इनका क्या जाता है, इनके जेब से पैसे थोड़ी जा रहे होते हैं, किसी और गरीब माँ बाप के बच्चों के पैसे लग रहे होते हैं और कोई और जलील हो रहा होता है। तो आपको साथ में बोल देते हैं 12,000, 14,000 या 15,000, इस केस में 14,500 का बोला गया है कि आपने प्रोटेक्टर के पैसे देने और पासपोर्ट देना है। तो आपसे पहले 10,000 मेडिकल का लिया गया और इस केस में भी 10,000 लिया गया मेडिकल का, फिर आपसे 14,500 ले लेते हैं, टोटल कितना कमा लिया, 24,500। और वो फेक शायद आपको प्रोटेक्टर भी करा दे, क्योंकि वो प्रोटेक्टर का जो सैंपल होता है वो बड़ा इजी है और वो बड़ा इजीली बनाया जा सकता है। जब ये हो जाता है फिर आपको ये बोलते हैं 15,000 या 20,000, इस केस में भाई को 20,000 का बोला गया कि आप 20,000 हमें सर्विस चार्ज देंगे जब हम आपको वीज़ा दे देंगे और टिकट दे देंगे। टिकट भी फेक बन जाती है, वीज़ा भी फेक बन जाता है, इनका सब कुछ
काम ही यही है। मतलब मुझे तो ये लगता है इनको सैंपल्स भी नहीं पता, कम से कम जो लोगों को फुदू लगा रहे हो, ठीक है, वो जो फॉर्मेट है किसी कंट्री का उस फॉर्मेट को तो फॉलो करो। बट खैर इनका क्या, सीधे साधे लोग होते हैं, नहीं सीधे साधे नहीं, बेवकूफ़ मेरे जैसे लोग और समझदार आप जैसे लोग तो होते हैं, जो कि ठीक काम पे बहस करते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं और इस तरह के काम में ट्रैप हो जाते हैं। तो फिफ्थ स्टेप ये होता है कि आपको फेक वीज़ा फेक टिकट देके आपसे 20,000 या 15,000 और ले लेते हैं। तो ये टोटल 40-45,000 या 50,000 का स्कैम हो जाता है। और फिर थोड़ी बहुत स्टोरी गोल हो जाती है, ये कोरोना का सीन डाल देते हैं या फिर नंबर्स ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, तो समझ आपको आई नहीं होती। और अगर आपने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं, आपसे कभी उनकी वीडियो कॉल पे तो बात हुई नहीं हुई होती, अगर वीडियो कॉल पे भी बात हो चुकी है तो वो भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। आपने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे होते तो उन्होंने आपको किसी के भी डॉक्यूमेंट्स दिए होते, क्योंकि वो एजेंट होते हैं। जैसे मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप किसी को भी अपना पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड ये चीज़ें देते हुए 10 दफ़ा सोचा करें, आपकी डॉक्यूमेंट्स मिसयूज़ हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। और किसी को भी अपनी नाम की सिम ना निकाल के दिया करें। तो एनीवे इस टाइप से आपको ये चीज़ें ये बता देते हैं, और उसके बाद आपके साथ हो जाता है एक बहुत बड़ा धमाका, वो ये कि जब आपके नोटिस में आता है और आपके नॉलेज में आता है कि जो आपको स्टोरी सुनाई जा रही थी 30, 40 या 50 डेज से, वो सब कुछ झूठ था, वो स्कैम था। और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फिर आप अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, किसी से भी बात नहीं शेयर करते। क्यों? अपनी सोसाइटी का कल्चर ऐसा है कि अगर किसी से बात की तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बेइज्जती जो हो जाएगी ना, इस वाले काम ने हमें बहुत डैमेज किया हुआ है और डैमेज कर रहा है। तो इस टाइप के ये कुछ स्कैम्स हैं, और ये एक वारदात और एक तरीका है, क्या बोलते हैं इसको, मॉडस अपरेंडी, पता नहीं ऐसे करके बोलते हैं, मतलब किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, उसको एक एक्सपोज किया हमने। हरगिज़ ये मतलब नहीं किसी को डिग्रेड किया जाए या किसी को बदनाम किया जाए। जब आप गलत काम करोगे तो आपकी गलती का अंजाम गलत ही होगा, आपके अगेंस्ट लोग बात करेंगे, ठीक है। मेरे से भी पहले गलतियाँ हो चुकी हैं, तो मेरे अगेंस्ट भी लोग बात करते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह गलती नहीं होती, या कोशिश होती गलती कम से कम की जाए या उसको मिनिमाइज़ किया जाए। इंसान है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, जब वो उनसे गलती हुई थी, वो आसमान से नीचे आए थे, मतलब अल्लाह ताला ने उनको नीचे भेजा था, तो फिर हमसे भी तो गलती हो सकती है जाने अनजाने में। कोई ये नहीं कह सकता मैंने अनजाने में गलती की, समटाइम्स बंदे को नज़र भी आ रहा होता है लेकिन सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई होती है कि बंदा मुंह नहीं खोल पाता या बैकआउट नहीं कर पाता। तो मतलब हो जाती है, और हम मेरे से भी हुई है, लेकिन इन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बंदा हाईलाइट करे, उतना कम से कम लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सके। दूसरी ये बात याद रखें, मेरे से एक भाई पूछ रहा था, कह रहा है जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं या कंपनीज़ हैं या जो लोग हैं, क्या वो फ्रॉड नहीं करते या क्या वो फ्रॉड कर सकते हैं? ऑफकोर्स वो लोग भी फ्रॉड करते हैं, और वो बड़े लेवल का फ्रॉड करते हैं, ये याद रखें। वो ये छोटे मोटे 5, 10, 20 हज़ार के लिए नहीं करते, क्योंकि उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, एनुअल रिन्यूअल्स होते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस और बड़ा कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होता है, वो मिनिस्ट्री लेवल तक वो लोग टच में होते हैं, तो वो बड़ी गेम होती है और बड़े लोग होते हैं, और अगर वहाँ पर छोटे मोटे पैसा फंस जाए तो वो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी सारी बात है, लेकिन क्या है कि आप उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, कि लेट्स सपोज मैं अगर मैन पावर का बंदा हूँ, आपने फंसी को पैसे दिए, फंसी का ये लाइसेंस नंबर है, ये परमिशन नंबर था, आप मिनिस्ट्री तक जा सकते हो, लेकिन पैसे जब एक दफ़ा फंस जाता है तो वो फंस ही जाता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप किसी के साथ काम करें, किसी के साथ ना करें। हाँ, एक तरीका मैं ज़रूर बता सकता हूँ जो हमारे कल्चर को सूट करता है और जो हमारे कल्चर के हिसाब से चलता है। क्या है वो? थोड़ा सा महंगा काम करा लो, लेकिन अपने आसपास के बंदे से कराओ, जिसके आपको घर का पता हो, जिसको 3-4 बंदों के दरमियान बिठा के उससे पैसे क्लेम भी कर सको। क्या मतलब है? अपनी सिटी लेवल पे एजेंट या कंसल्टेंट के साथ काम करो। जितना मैंने स्टडी किया पिछले 1 साल में पाकिस्तानी कल्चर को या इन्वायरमेंट को, उसमें ये सबसे सेफ़ है। मतलब अगर फंसी आपको कह रहा है कि 60,000 का वीज़ा ले लो बहरीन का, ठीक है, और अगर आपको सिटी में कोई कह रहा है कि 90,000 का ले लो, आपके अपनी सिटी, जिस भी सिटी से आप हो, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आप वो 90,000 वाला ले लो। वाई? बिकॉज उस बंदे का घर आपको पता है, 50 बंदों में उसको बिठा सकते हो, नो डाउट थोड़े बहुत पैसे लेट मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। बट फंसी ने आपको बोल दिया और फिर फंसी आप गायब है या व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर दे, खुदा ना खास्ता, मैं जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को इसलिए एज अ केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ बाकी लोग बुरे हैं। तो आप अपने सिटी लेवल पे या जिसका आपको थोड़ा बहुत एड्रेस का पता है, आपको पता है, आप उसको ट्रेस कर सकते हो,
आपको उसका आगे पीछे का पता है उस बंदे के साथ। सोशल मीडिया पे ऐड देख लिया, फ्री वीज़ा फ्री टिकट, ऐसा कोई नहीं होता भाई। कोई मतलब आप एक बात बताइए, इतनी बेरोजगारी है ठीक है, उसमें कोई फ्री टिकट और फ्री वीज़ा की बात क्यों करेगा अपने फ़ायदे के बगैर। मैं भी काम करता हूँ, मैं भी अपने फ़ायदे को सबसे पहले रखता हूँ, तब आगे बात करता हूँ। तो इन सारी बातों का पर्पज़ क्या है कि आप ध्यान से अपना पैसा लगाएं, ध्यान से चीज़ों को देखें। जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर मैंने सेट किया कि अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं तो 500 है, और अगर आप ऑफिस मीटिंग करते हैं तो 2000 है। तो अगर आप ऑफिस मीटिंग नहीं भी करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल पे डिस्कस करते हैं, आप 500 आपने लगा दिया, ठीक है। मैं अपने अपॉइंटमेंट्स को प्रमोट नहीं कर रहा, बट ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, या मैंने एक चीज़ की है तो मैं उसको डिफेंड भी तो करूँगा। उन सब चीज़ों का ये मकसद है कि मतलब आप मेरे से बात करना चाहेंगे, आप मुश्किल में हैं, तो मैं मतलब आपको टाइम दूंगा और आपको उस मुश्किल से शायद मैं निकाल सकूं, आपका 8-10-15 हज़ार का मैं शायद नुकसान बचा सकूं। तो अगर आप 500 देते हैं, एक क्वालिटी की बात भी हो जाती है और एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। उस 500 के बाद जब तक मैं आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, तब तक मेरे और आपकी बात चलती रहेगी, जब तक मैं आपको कोई सर्विस डिलीवर नहीं कर पाता। उस 60 मिनट्स का ये मतलब नहीं कि बस 60 मिनट्स गए, या 60 मिनट्स में से आपने जितने भी मिनट्स कंज्यूम करे उसके बाद आप नेक्स्ट कॉल करोगे तो मैं आपको कहूँगा फिर से अपॉइंटमेंट ले लो। नो, इट्स नेवर वर्किंग लाइक दैट, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्लियर करो। बड़ा पैसा बचाने के लिए या बड़ा पैसा बचाने के चक्कर में बड़े ही पैसे का नुकसान आप कर बैठते हो, जो मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं किया तो वीडियो जरूर पसंद करें। मिलते हैं किसी और चैनल को वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart.